बिहार के औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के बभंडी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चुनावी सभा को संबोधित करने के पहले चप्पल फेंकी गई। जी हां, चप्पल तेजस्वी यादव पर फेंकी गई। औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के लिए वोट देने का ग्रामीणों से अपील करने तेजस्वी यादव कुटुंबा खेल मैदान पहुंचे थे, जहां उन्हें जनसभा को संबोधित करना था। वहीं तेजस्वी अभी हेलीपैड से उतरकर स्टेज पर पहुंचे ही थे कि एक जनता दीर्घा में बैठे दिव्यांग ने बारी बारी से अपना दोनों चप्पल तेजस्वी पर दे मारा। आपको बता दें कि एक चप्पल का वार तो खाली गया, लेकिन दूसरा चप्पल सीधा तेजस्वी की गोद में जा गिरा, जिससे कुछ पल के लिए पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित दिखे, लेकिन तेजस्वी यादव के पहल पर फिर से शांति का माहौल बना दिया गया। हालांकि उस दिव्यांग ने चप्पल फेंकने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, और इसी बीच सुरक्षा कर्मी ने उस दिव्यांग को उठाकर वहां से दूर ले गया और दिव्यांग को बाहर छोड़ दिया। और इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और खरी खोटी सुनाई, और लोगों से अपने सहयोगी पार्टी कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के पक्ष में वोट देने का अपील भी किया। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर एक दिव्यांग ने कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान अपने दोनों चप्पल बारी बारी तेजस्वी पर दे मारे। वहीं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन न्यूज़।